हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, MS जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना फीवर के बारे में। फीवर कैसा होता है कोविड में और कैसे पता करें कि ये कोरोना का ही फीवर है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कोरोना वायरस का जो फीवर होता है ज़्यादातर लो ग्रेड होता है। लो ग्रेड फीवर का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है लो ग्रेड का, कितना होना चाहिए टेम्परेचर? तो देखिए, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लो ग्रेड टेम्परेचर हम तब कहते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर 99.5 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए या 37.5 डिग्री सेल्सियस से 38.3 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 99.5 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री से 38.3 डिग्री सेल्सियस, ये लो ग्रेड टेम्परेचर माना जाता है। तो दोस्तों, हाई ग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? हाई ग्रेड टेम्परेचर या हाई फीवर जिसे कहते हैं, वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अब कोरोना में लो ग्रेड फीवर ही होता है। यूजली फीवर 99 से 100 के बीच में ही होता है ज़्यादातर लोगों को। हाई ग्रेड फीवर मतलब 100, 101, 102 बहुत कम लोगों को होता है। अगर आपका फीवर 103 या उससे ऊपर है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है या बॉडी में किसी और तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का कारण से हो सकता है। तो 103 से ऊपर फीवर है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। देखिए दोस्तों, लो ग्रेड फीवर इंडिया में ज़्यादातर टीबी की या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होते थे, लेकिन आज के डेट में अगर किसी को लो ग्रेड फीवर आ रहा है तो कोरोना वायरस ही माना जाएगा। तुरंत एंटीजन टेस्ट कराना है, अगर पॉजिटिव आता है तो कोरोना का इलाज करवाना है। कोरोना में जो लो ग्रेड फीवर होता है वो यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अगर बॉडी में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से फीवर भी शुरू हो जाता है। तो फीवर के लिए तो हम एंटीपायरेटिक देते हैं जैसे पैरासीटामोल, साथ में हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम मेफ्टाल या मेफनिमिक एसिड दे सकते हैं, इंडोमिथासिन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं। ये टैबलेट्स एनएसएड्स होती हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जो कि सूजन को भी कम करती हैं और साथ में फीवर को भी कम करती हैं। अगर आपका पैरासीटामोल से फीवर नहीं जा रहा है तो आप इन ड्रग्स से फीवर को कम कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है। अब मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कोरोना में फीवर यूजुअली एक दिन से लेके 4-6 हफ्ते तक भी रह सकता है। इसकी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूंगा, आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।